दोस्तों जय हिंद। यूं तो इस वीडियो को बनाने का आज मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल नहीं लग रहा था। ऐसी खबर मैंने कल से सुन रखी है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोस हैं और आप उसे देख रहे हैं, लेकिन खबर ही ऐसी है कि उसके लिए मैं अब क्या कहूं आप लोगों से। बस यही विनती कर सकता हूं कि नवीन भाई की तबीयत बहुत खराब है और उनके लिए आप जितना हो सके दुआ करें, ईश्वर से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, वाहेगुरु से, जो भी आपके आराध्य हों, जो भी आपके भगवान हों, उनसे आप जो है, जो भी आपके पूजनीय हों, उनसे आप दुआ करें कि नवीन भाई की जिंदगी बच जाए। नवीन भाई की हालत बहुत ख़राब है, नवीन भाई की तबीयत बहुत बुरी है। इस वक्त वो आईसीयू में भर्ती हैं, कोविड की वजह से वो परेशान है। और कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो आया था जिसे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। नवीन भाई एलएनजीपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दिल्ली के ही एलएनजीपी हॉस्पिटल में, और उस वक्त उनकी कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। और क्या कहा जाए, मतलब ये पत्रकारिता की दुनिया का एक ऐसा चेहरा जो भारत के सुदूर इलाके से आता है, गांव गिराव का, और दिल्ली में आकर के, नोएडा में आकर के दिल्ली में अपना एक नाम कमाता है, राजधानी में, छोटे छोटे चैनलों से होते हुए न्यूज 24 से फिर आज तक में एबीपी में, ये सब सिलसिले चलते रहे। मेरी आखिरी बार एक बार उनसे मुलाकात हुई थी जब मैं नेशनल दस्तक में था, आज से 3 साल पहले। उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। दूसरे लोगों के जरिए, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके जरिए खबर पता चली कि जो है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। आपने हमारे इस YouTube चैनल के कम्युनिटी पेज में भी आपने देखा कि नवीन भाई के लिए हम लोगों ने दुआओं की दरखास्त की थी, उनके लिए मदद की अपील की थी, क्योंकि उन्हें प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत थी। उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उन्हें प्लाज्मा मिल गया है, ये खुशी की बात है। लेकिन अभी भी वो आईसीयू में भर्ती हैं और हालत बिल्कुल नाजुक है। पत्रकारिता का ये वो नायाब चेहरा है जो सिस्टम की बखिया उखेड़ देते हैं। न्यूज 24 में इनका एक प्रोग्राम आया करता था, इसका नाम था ये है इंडिया। एबीपी में भी बहुत दिन ये रहे, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो है आज तक में जा चुके थे, जिस वक्त मैं नेशनल दस्तक में था उस वक्त ये आज तक में थे, तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त जो है 2 प्रोग्राम हुआ करते थे, अभी भी वो प्रोग्राम है, एक क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, जिसमें कुछ दिन तक उसमें भी उनकी वॉयस आती रही, और उसके बाद जो है रात 10 बजे दस्तक प्रोग्राम हुआ करता था, जिसको अक्सर पुण्य प्रसून वाजपेयी होस्ट किया करते थे, और वाजपेयी जी के जाने के बाद जो है सईद अंसारी उसको होस्ट किया करते थे, कभी कभी रोहित सरदाना वगैरह भी होस्ट किया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये वाकई बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है। रवीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, रवीश कुमार की भी तबीयत सही नहीं है, वो भी बहुत दिनों से कोविड की वजह से परेशान है, आइसोलेट है, उनका दवा चल रहा है, लेकिन तबीयत उनकी स्थिर है। लेकिन सबसे ज्यादा घबराने वाली बात है नवीन कुमार की। नवीन कुमार का ये कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, छोटा सा वीडियो था, आप जो है इसको सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सच्चाई है सिस्टम के लिए, इस वीडियो में गुस्सा भी है हालात के लिए, सरकारों के लिए। देखिए इस वीडियो में। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। इस देश को नरक बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए, वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए, वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों मजारों मीनारों की जरूरत नहीं है, हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत,
देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। तो देखा आपने, नवीन कुमार के बोले गए एक एक शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। नवीन कुमार आज तक में तो अब नहीं है, इसी एक साल पहले उन्होंने आज तक को छोड़ दिया था और परिस्थितियां बहुत तरह की सुनने में आई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना, जैसा कि हम लोग भी आप देख रहे हैं, हम लोग भी डिजिटल में ही इस वक्त हैं, हालांकि हम लोग का ताल्लुक अलग जगहों से। लेकिन नवीन कुमार ने आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से जो है अपना यूट्यूब बनाया और उसको बुलंदियों तक पहुंचाया, और उनके बोलने का अंदाज हमें देखने को मिला बहुत दिनों के बाद। मतलब मैंने तो न्यूज़ 24 के बाद कभी उनका एंकरिंग देखी ही नहीं थी, तो एक एंकरिंग का एक अंदाज देखने को मिला, खास तौर से आर्टिकल 19 इंडिया में। अभी बंगाल इलेक्शन में भी वो कवर करके आए थे, तभी ऐसा लग रहा था कि जो है शायद वो कोविड इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन उसके साथ हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत जिस तरह से है, हम यही दुआ करेंगे कि आप सब जो है उनके लिए जो है दुआ करें, उनकी तबीयत के लिए, उनके सेहत के लिए। बाकी जो भी अपडेट आते जाएंगे हमारे इस जो है कम्युनिटी पेज में आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और रह रहे कि मैं भी जहाँ से भी होता हूँ वहाँ से जो है उस पर अपडेट दे दिया करता हूँ। और फिलहाल बस इतना ही, आज मैं ये कहने के मूड में नहीं हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या ये सब फालतू लग रहा है, क्योंकि मन बिल्कुल उदास है। हमारा एक साथी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, RNGP में भर्ती है, बस दुआ करें, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। जय हिंद।